हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है ना, मैं सुबह सुबह थोड़ा जल्दी उठ गया एंड सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि देखिए कितना ज़्यादा अच्छा मौसम हो रखा है सुबह सुबह। वैसे तो मैं स्कूल जाने से आधा घंटा जल्दी, मतलब उससे पहले ना आधा घंटा पहले ही मेरी नींद खुलती है एंड मैं तब उठता हूँ। अलार्म बजती रहती है, ऑफ ही नहीं करता मैं, पर चलो आज थोड़ा जल्दी उठ गया। वैसे टाइम हो गया होगा 6 बजे, अभी 6:11, हाँ 11, 6 ही मान लो, 5 बजे उठने का प्लान था मेरा, नहीं उठ पाया। कोई नहीं, चलो 6 बजे तो उठा आज मैं, वरना तो मैं 6:30 बजे ऐसे उठता था। कल सुबह छुट्टी है मेरी, 2 तारीख है ना कल, गांधी जयंती के दिन है, तो कल सुबह सुबह जल्दी उठ के बाहर घूम के आएंगे सारे। मम्मी भी चलेंगी, प्रतीक भी चलेगा एंड प्रतीक देखते हैं अब क्या कर रहा है, वो उठ चुका है वो। अरे प्रतीक सुबह सुबह पॉलिश कैसे कर रहा है अपने शूज़ के? वैसे तो कोई करता नहीं है। आज मन कर गया? मेरे भी कर दे प्लीज। यहाँ पे होंगे, रुक लेके आता हूँ। देखियो कितने गंदे हो रखे हैं गाइस मेरे शूज, तो ले कर इन्हें भी प्लीज कर दे। और तेरे वाले को भी है ना, उसके बाद ज्यादा लगा लेता है तू, ज्यादा पॉलिश लगा ली तूने तेरे वाले को। अब उसके बाद शुभ का ब्रश मार दियो इस पे, ये चमकने लग जाएंगे। अरे ऐसे नहीं करते, बाप रे लाइट चली गई। आज तो बाहर बैठते हैं, लाइट गई। गाइस प्रतीक तो रेडी हो चुका है बिल्कुल, अभी फिलहाल कॉम कर रहा है। ओहो जिप तो बंद कर ले, जिप कॉम बात पहले करता, जिप की ध्यान ही नहीं लड़के को। मेरे को दे दे अब कोमला, बहुत देर होगी तेरे को। ऐसे क्या तेरे हेयर हो गए, तू अब से शीशे में देखे जा रहा और सारा सामान बाहर उठा लाया तू अंदर से। अंदर जो कपड़े पहनेगा जो वो क्या करेगा, वो पड़ोसी के जाएगा। सो गाइस मैं तो रेडी हो चुका हूँ स्कूल के लिए एंड प्रतीक भी रेडी हो चुका है, बस सॉक्स डाल रहा है। ओ सॉक्स तो मैंने भी नहीं डाली है, शूज़ तो पहने ही नहीं मैंने भी। टाइम क्या हो गया, 6:41 हो गए हैं, 7 बजे बस आ जाती है, 20 मिनट रहेगी। चलो जल्दी से शूज़ पहन लेता हूँ मैं भी एंड फिर चलेंगे स्कूल के लिए। ये देखो और शूज़ की बैंड बजा डाली इन्होंने, इसने सुबह सुबह मैंने इसको कह दिया कि पॉलिश कर, देखियो इतनी सारी पॉलिश रगड़ दी शूज़ के। अब मेरे को इसको और रगड़ना पड़ेगा ताकि ये पॉलिश उतरे। अरे बस बस तू रुक जा, रुक जा, तू फिर बैंड बजाएगा, मेरे को दे दिला मैं करके दूँ ठीक है। रुक ना, बादल तेरे से नहीं होगा कुछ भी काम। अच्छा पहन लिए तूने, मेरे वालों की तो बैंड बजाई दी 2-3 दिन के लिए निश्चय। अच्छा ठीक करने पड़ेंगे मेरे को। अच्छा इतनी तो मैंने सकती भी नहीं, अब हुए ये ठीक। अब देख चमक रहे हैं बिल्कुल, तेरे वाले भी कर ले ऐसे। मैंने तो पहन लिए, फिर पहनने के बाद नहीं आते। तो खाना खा ले सबसे पहले तो। गाइस उठते ही इसके सबसे पहला ड्रामा ये रहता है, खाना नहीं खाता ये। देखो तब से घूम जा रहे हैं, क्या घूम हो गया तेरा? अब कभी इसका पेंसिल घूम हो जाती है, कभी कुछ घूम हो जाती है, सुबह खाने के टाइम पे तो ऐसे। अरे मेरे मेरे कहाँ पे घुस गया? अरे नहीं है इसमें, खत्म होगी बस, अपनी इतनी बची हुई थी वो बंद कर। वो खुले छोड़ देता है सारी चीजों को। खाना मम्मी बुला रही है तेरे को, खाना खा के पहले आ जा, आ जा, आ जा। देखो गाइस क्या किया जाए इसका, बताओ। शूज खराब कर दिए मेरे, पिटेगा तू इसको, पीटना पड़ेगा गाइस। शूजों की बैंड बजा दी मेरी। बैठ यहाँ पे, बैठ खाना खा। देखियो गाइस कैसे ड्रामे करने लग गया अब। ये खाना तो खाता ही नहीं है, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट एंड ऐसे ही घूमता रहता है, फिर मम्मा इसको जबरदस्ती खिलाती है डांट मारकर। तो ठीक है गाइस, मैं अभी ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ अपना एंड मैंने बैग वगैरह तो पैक कर लिया है, मम्मा टिफिन बना रही हैं, फिर लेके चल पड़ेंगे। अब तो खा लेगा गाइस ये खाना, क्योंकि परांठे बने हैं ना, रोटी नहीं खाता।
रोटी भी खा लिया कर कभी। क्यों? और हेल्दी ब्रेकफास्ट किया कर मेरी तरह। मैं पराठे खा रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा गाइस। देखो मैं तो अपने आराम से देखो चने खा रहा था सुबह सुबह। पहले तो खा लिए, अब क्या? कहाँ खा लिए? और बात डाल दा एक बार में, रुक जा। चलो गाइस मैं तो बिल्कुल रेडी वगैरह हो चुका हूँ, टिफिन भी बन चुका है, ये रहा मेरा टिफिन। एंड मम्मा तो प्रतीक को छोड़ने के लिए चली गई, उसकी बस मेरे से 10 मिनट पहले आती है ना, तो वो भाग गया, मतलब भाग ही गया, आराम से नहीं गया। मैंने टिफिन वगैरह डाल लिया है, चलो अब मैं भी निकलता हूँ स्कूल के लिए। हो जा बंद, एक हाथ से बंद भी नहीं होती ना ये, बाद में करूँगा। सो ठीक है गाइस, मैं आपको स्कूल से आने के बाद मिलता हूँ। ओके बाय, स्कूल से आने के बाद मिलूँगा। गाइस मैं अभी अभी घर पहुँचा हूँ एंड बुरी तरह से थका हुआ हूँ, क्या ही बताऊँ। लास्ट के 2 पीरियड थे, दोनों पीरियड स्पोर्ट्स के, मतलब धूप भी बहुत ज़्यादा थी एंड ग्राउंड में भाग जा रहे। मेरी तो अब हिम्मत ही नहीं है, मैं इसलिए आते लेट गया। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा थक गया मैं, सारे कपड़े गंदे हो गए, गिर गया था मैं फुटबॉल खेलते समय बच्चों के साथ, पैर लग गया एक का, मैं सीधा नीचे गिरा। एंड बाल देखो कैसे हो गए मेरे, मतलब एक तो पसीने आ गए थे, थोड़ी मिट्टी लग गई एंड धूप ज़्यादा थी इसलिए ऐसे हो गए। सो चलो यूनिफॉर्म निकालता हूँ जल्दी से, उसके बाद फेस भी नहीं धोया गाइस मैंने अभी तक, इतना गंदा हो रखा है, मिट्टी मिट्टी। देखिए यूनिफॉर्म तक नहीं निकाली है, अभी निकाल देता हूँ जल्दी से। ओ भाई साहब आ गया गाइस प्रतीक। ओ फोन लेके कहाँ पे गया था तू? हैं ले जाऊँ तेरे को फोन है? तो सर जी आपका आज का दिन कैसा रहा बताएंगे प्लीज? बैंड बज गई। क्यों? अब काम भी नहीं किया। फिर क्या हो गया? सो गाइस फाइनली अब जाकर मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, सारा काम कर लिया मैंने, और लास्ट अभी टैग ही लगा रहा था मैं, वो भी कंप्लीट हो गया। मम्मा का एक शॉर्ट्स अपलोड किया था मैंने, वो आप देख लेना मेरे चैनल पर, उसके मैं टैग्स डिस्क्रिप्शन थंबनेल वगैरह वो सारी चीज़ें लगा रहा था। सो वो तो मैंने लगा दी, अभी मम्मा का फ़ोन यूज़ करके ही लगा रहा था मैं, टैग सर्च कर रखे थे उसमें और फिर वो लगा रहा था। सो चलो बहुत देर हो गई यहाँ पर, अब बाहर चलते हैं थोड़ी देर। अरे ये शू रैक बाहर क्यों रख रखा है? शायद मम्मा ने साफ सफाई की होगी इसकी, इसीलिए बाहर रख रखा है। और ये पुराने चप्पल वगैरह बाहर ही पड़े हैं जो भी यूज़ नहीं आते। ओहो प्रतीक वहाँ पर खड़ा होकर क्या कर रहा है? या यहाँ पर क्या कर रहा है? अच्छा वो भैंस के आगे खड़ा है क्योंकि भैंस दूध नहीं देती आजकल, डंडी लेके वो भी। सो ये देखे गाइस कैसे देख रहा है भैंस की तरफ टुकुर टुकुर। अच्छा एंड मम्मा दूध निकाल रही थी। सो गाइस मैं तो अपना खाना अंदर ले आया हूँ, खाने में दाल एंड रोटी, रात को ज़्यादातर दाल ही बनती है हमारे घर पे। एंड वो देखो आइसक्रीम खाने को लगा हुआ है। खाना खा लेगा तू? मैं तो खाना खाने के बाद ही खाऊंगा, चलो मैं खाना खा लेता हूँ पहले जल्दी से, उसके बाद खाऊंगा। सो गाइस खाना तो हो चुका है मेरा एंड अब आइसक्रीम इंजॉय करेंगे। खाना खाने के बाद मेरे को मीठा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक मतलब खाने का ऐसा लगता है कि मज़े आ गए खाना खा के। सो अब इंजॉय कर रहा हूँ मैं आइसक्रीम। प्रतीक ने तो पहले ही अपना पेट भर लिया था आइसक्रीम खा के, देखो आधी आइसक्रीम चट कर गया वो अकेला, एंड अभी वहाँ पर कोने में छुप के बैठा है, देखो ब्लैडर से खेल रहा है। फुटबॉल का ब्लैडर फट गया था, मतलब फुटबॉल बाहर से फट गई थी तो मैंने ब्लैडर निकाल दिया उसका, उसमें हवा भर के खेल रहा है, देखो कैसे कर रहा है, करता रहा बेटी। तो मैं अपनी आइसक्रीम इंजॉय करता हूँ। सो गाइस आज के व्लॉग की एंडिंग हम मीठे से करते हैं। सो गाइस आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा, व्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना एंड इफ यू आर न्यू एट माय चैनल प्लीज टू सब्सक्राइब इट। ओके बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।